स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। बहुत लोग काम करते हैं कंपनीज में, आपने देखा होगा सुबह से शाम तक काम करने वाले लोग कंपनीज में काम करते हैं, बट उनको जब सैलरी मिलती है तो या तो वो रोते हैं या हंसते हैं, क्योंकि अगर सैलरी कम आती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं, और अगर सैलरी ज्यादा आती है तो इतने खुश होते हैं कि दिवाली की शॉपिंग करते हैं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो बोनस है वो किस तरीके से मिलता है एम्प्लॉयज को, और अगर बोनस की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज करती हैं या कंपनियां यूज करती हैं, बोनस किस बेसिस पे दिया जाता है, वर्किंग आवर्स क्या होते हैं और सेविंग आवर्स क्या होते हैं, टेकन आवर्स क्या होते हैं और स्टैंडर्ड आवर्स क्या होते हैं। बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जहां पर डिसाइड होता है रेमुनरेशन, जो लेबर्स का रेमुनरेशन होता है वो कैसे डिसाइड होता है, हम बात करते हैं उसके, और सारे बहुत सारे कंटेंट रहेंगे छोटे छोटे, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। एक बार देखते हैं बोर्ड पर इस टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं हाल से प्रीमियम योजना की। हाल से क्या है, मेथड्स की बात करते हैं। हाल से प्रीमियम योजना, कोई व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, एक कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, एक कंपनी है, एक फर्म है, एक बंदा 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे में वो काम करके खत्म कर देता है अपना और घर चला जाता है, उसको एक सर्टेन सैलरी मिलती है 10,000 रुपीज। अब अगर वो 8 घंटे से पहले काम कर लेता है अपना काम, उसको 100 यूनिट बनानी है, 50 यूनिट बनानी है, वो उतना काम करके खत्म कर लेता है, उसका टाइम 6 घंटे में पूरा हो जाता है, वो जो काम करके रखा है उसने वो 6 घंटे में ही खत्म कर लिया जितना उसका टारगेट है। उसके बाद जो उसके पास बचा हुआ टाइम है, क्या उसके लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा? तो इंसेंटिव की कौन कौन सी स्कीम है, सबसे पहली स्कीम है हाल से प्रीमियम योजना। हाल से प्रीमियम, हाल से इंसेंटिव, कैसे निकालते हैं उसको, क्या उसका कंडीशन होता है, वो एक बार बताता हूं आपको। पहले फॉर्मूला लिखता हूं, फिर उसके बाद देखेंगे आगे। बात करते हैं हाल से प्रीमियम योजना की। अगर हाल से की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स टाइम टेकन। ये टाइम टेकन क्या है कि टाइम टेकन की कंडीशन ये बताती है कि आप जब वेजेस लेंगे तो किसी की वेज, आपको वेजेस अगर लेनी होगी तो जितना उसने टाइम काम किया है उतना लेंगे, फिर उसके बाद रेट पर आवर कर लेंगे, रेट पर आवर। एक घंटे में जितना उसको एक घंटे का चार्ज मिलता है या कितनी उसको वेजेस मिल रही है एक घंटे काम करने के लिए, वो लगा लेंगे। फिर बात करते हैं इंसेंटिव की, यानी बोनस की बात करते हैं, बोनस कैसे मिलेगा उसको, ओवर टाइम या बोनस कैसे मिलेगा उसको, उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो भी देखते हैं। कहते हैं टाइम सेव, स्टूडेंट्स टाइम सेव, कितना टाइम सेव किया है वो देखते हैं। टाइम सेव कितना किया है, उस टाइम के हिसाब से जितना उसने टाइम सेव किया रेट पर आवर लगाएंगे। रेट पर आवर लगाएंगे और यहां पर परसेंटेज लगेगी स्टूडेंट्स, किस चीज की, ये परसेंटेज किस चीज की लगेगी, ये बोनस की परसेंटेज लगेगी कि बोनस का रेट क्या है, ये क्वेश्चन में देंगे बोनस का रेट, वो परसेंटेज बोनस का रेट जो है वो क्वेश्चन में देंगे। और हाल से की कंडीशन क्या है, इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं, ये वाले मेथड्स की बात कर रहा हूं कि हाल से वाले मेथड में स्टूडेंट्स बताते हैं कि अगर आपने निश्चित समय से अगर एक्स्ट्रा काम किया है या आपने ओवर टाइम किया है या फिर आपने जो टाइम सेव किया है कि जितने घंटे आपको स्टैंडर्ड कंपनी में काम करना है, जैसे इंडिया में 8 आवर्स का टाइमिंग है, जो स्टैंडर्ड आवर्स है 8 आवर्स काम करना कंपलसरी है, तो आपने अगर वो काम 6 घंटे में पूरा कर लिया है या आपने उसमें कुछ टाइम बचा लिया है तो उस टाइम का जो रेट है वो बोनस रेट आपको 10% से लेके, फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, 10% से लेके 90% के बीच में कुछ भी हो सकता है जो कंपनी डिसाइड करती है। अगर कंपनी डिसाइड करती है कि जो टाइम आपने सेव किया है उस टाइम में, सेविंग टाइम में जो भी आपको बोनस दिया जाएगा वो 10% से लेकर बोनस 90% के बीच में हो सकता है, ये कंपनी की अपनी टर्म एंड कंडीशन पे काम करेगा। लेकिन
क्योंकि मैं आपको हाल से प्रीमियम योजना बता रहा हूं, उसके प्लान को बता रहा हूं, हाल से प्रीमियम प्लान को बता रहा हूं, तो 10 से लेके 90% के बीच की बात कर रहा हूं मैं। और अगर मैं आगे की बात बताऊं कि अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ये चीज आपको कंडीशन में स्टूडेंट्स, अगर दी ही नहीं गई है तो आप इसकी जगह क्या फॉलो करेंगे, ओनली 50% फॉलो करना है। कितना करना है इस बोनस की जगह, कितना करना है 50% फॉलो करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया है तो 50% करेंगे, अदरवाइज हम जो दिया हुआ है वही करेंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको ये चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से इसको आगे सॉल्व करना है। देख लेते हैं एक बार फिर से बोर्ड पर स्टूडेंट्स, यहां पर एग्जांपल देखते हैं एक बार। एग्जांपल में सबसे पहले बताया है कि अगर किसी कंपनी में काम करते हैं एग्जांपल में, तो उसका स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है आपका वो टाइम जो आपको करना ही होता है, कम से कम आपको काम करना पड़ता है 12 घंटे, 12 आवर्स, 12 आवर्स की बात करते हैं और 12 आवर्स की बात करते हैं। और अगर कंपनी में काम आपको कितने घंटे करना है, 12 घंटे करना ही करना है। लेकिन जब बंदे ने काम किया या एम्प्लॉय ने काम किया, एक्चुअल आवर्स की बात कर रहा हूं, एक्चुअल आवर्स जो है वो 8 घंटे उसने काम किया, 4 घंटे उसने काम ही नहीं किया कंपनी में। अब जब 4 घंटे काम नहीं किया उसने, तो वो टाइम उसने सेव कर लिया, यानी 4 घंटे एक्चुअल आवर्स उसने 8 आवर्स में वो काम कंप्लीट कर लिया है। ये एक्चुअल आवर्स हैं उसके। आपने स्टैंडर्ड टाइम देख लिया कि 12 घंटे है, एक्चुअल आवर्स देख लिए कि यहां पर ये दे रखे हैं, और रेट ऑफ पर आवर कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 1 घंटे काम करने का कुछ सैलरी मिलता है, तो कितना मिलता है, रेट दिया हुआ है यहां पर 4 रुपए। क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, 4 रुपीज पर आवर, ये पर आवर का रेट है। लिख देता हूं एक बार, पर आवर का रेट है। अगर हम बात करते हैं, हमें स्टैंडर्ड टाइम 12 घंटे दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम हमें 8 घंटे दिया हुआ है, और रेट पर आवर हमें दिया है 4 रुपए पर आवर। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप हाल से फॉलो कर रहे हैं, कौन सा फॉलो कर रहे हैं, हाल से प्रीमियम प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं। कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना है इसको। सबसे पहले वेज की वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट्स, वेजेस निकालेंगे, वेजेस की वैल्यू जो होगी स्टूडेंट्स, वेजेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टाइम टेकन रखेंगे, इनटू रेट पर आवर रखेंगे आप, रेट पर आवर आपका टाइम टेकन है। हमने टाइम टेकन की बात करते हैं तो 8 घंटे काम किया है, रेट पर हमने 4 रुपीज लिया हुआ था, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 32 रुपीज हो जाएगा स्टूडेंट्स। या बोनस की बात कर रहे थे हम, बोनस की बात कर रहे थे, तो बोनस की अगर हम बात करते हैं, टाइम सेव कितना किया इसने, जो 12 घंटे का काम था वो 8 घंटे में कर लिया है, 4 घंटे इसने सेव किए हैं। कैसे निकालेंगे ये भी देखते हैं, टाइम सेव लिखेंगे यहां पे, टाइम सेव इनटू रेट पर आवर, रेट पर आवर इंटू परसेंटेज ऑफ बोनस यहां लगा लेंगे। टाइम सेव हमने देखते हैं, टाइम सेव कितना किया, हमने 12 घंटे की बात बताई थी कि 12 घंटे काम करना होता है, और हमने वो काम कर लिया 8 घंटे में, तो हमने कितने घंटे सेव किए निकाल लेंगे डिफरेंस करके। यहां पर 4 घंटे सेव किए हैं, 4 घंटे सेव किए। रेट पर आवर हमारा क्या है, रेट पर आवर देखते हैं, यहां पर हमारा 4 रुपए रेट पर आवर था। और बोनस की बात करते हैं, कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, तो 50% फॉलो करेंगे, कितना करेंगे 50% फॉलो करेंगे। तो हम इसको कैलकुलेशन में रख लेते हैं एक बार, 4 × 4 × 50% कैलकुलेट करते हैं, इसको काट लेते हैं एक बार, जो भी हमारी वैल्यू आई कैलकुलेट करके, 10 से 10 काट लेते हैं, और यहां अगर हम करते हैं कोशिश तो इसको और का छोटा कर लेते हैं, 5 से हम 10 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से अगर हम 4 को काटेंगे फिर से 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसके साथ, 4 के साथ 2 का, तो 8 आ जाएगा। हमारे पास 32 रुपये हमें सैलरी के मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, 32 रुपये हमें सैलरी के मिल रहे हैं जहां हम काम करते हैं, कितने मिल रहे हैं
₹32 सैलरी के मिल रहे हैं और ₹8 हमें बोनस के मिल रहे हैं। तो टोटल मिला के इसको ऐड कर लेते हैं, हमारा बोनस कितना रहेगा, हाल से मैं ऊपर ही लिख लेता हूं, 32 हमें मिल रहे हैं और प्लस हमें 8 मिल रहे हैं, टोटल हमें मिलाकर कितने मिल रहे हैं, ₹40। यानी हमारा टोटल हाल से प्रीमियम योजना को अगर हम यूज करते हैं, प्रीमियम प्लान को हम यूज करते हैं, तो हमें कितना सैलरी मिलेगा, बोनस को जोड़कर ₹40 मिलेगा। मैंने आपको बताया कि किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉई अगर कुछ टाइम बचा लेते हैं, यानी टाइम का मतलब है वो अपने स्टैंडर्ड टाइम से पहले ही कुछ काम को खत्म कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, तो उनका एक टाइम सेव होता है। उस टाइम सेव करने की वजह से उनको कंपनी क्या करती है, बोनस पॉइंट देती है। तो बोनस पॉइंट का जो रेट है मैंने आपको निकालना बताया, किस तरीके से निकाल सकते हैं इस प्लान में, ये प्लान मैंने आपको बता दिया, इसका नाम है प्लान का हाल से प्रीमियम प्लान। ये पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगला एक और प्लान देखते हैं स्टूडेंट्स अगले प्लान की बात करते हैं, बोनस प्लान जो है अगला रॉबिन्स के बारे में बात करते हैं कि रॉबिन्स प्लान में हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, कि हमें कंडीशनल किस तरीके से निकालना होगा रॉबिन्स में, कि बोनस किस तरीके से निकाला जा सकता है। स्टूडेंट्स एक बार बात करते हैं रॉबिन्स की, इस प्लान में किस तरीके से निकाला जा सकता है, देखते हैं एक बार बोर्ड पर। रॉबिन्स प्लान की बात करते हैं, इस प्लान में होगा क्या, सबसे पहले हमें वेजेस निकालनी होगी। वेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले वेज निकालने के लिए आपको टाइम टेकन रखना होगा। इनटू रेट पर आवर यहां पर बोनस पॉइंट निकालना है आपको। बोनस के लिए आपको क्या रखना होगा, टाइम सेव रखना होगा, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम यहां पर टेकन टाइम आएगा स्टूडेंट्स, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। स्टूडेंट्स यहां समझने वाली चीज ये कि पिछला प्लान रॉबिन्स हमने पढ़ा और रॉबिन्स की बात करते हैं, तो रॉबिन्स में हमने सीखा कि रॉबिन्स प्लान की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक बार देखते हैं, हमने रॉबिन्स की बात करते हैं तो इससे पहले हमने पढ़ा था हाल से प्लान, और हाल से प्लान में ये चीज हमने नोटिस करी कि वहां पर जो स्टैंडर्ड टाइम हमें दिया हुआ था और जो एक्चुअल टाइम था वो हमने लिया था, यार टाइम सेव जितना टाइम सेव किया है उसको भी हमने कैलकुलेशन में लिया, टाइम टेकन से कैलकुलेशन हो रही है, जितना टाइम लिया गया है उससे कैलकुलेशन करनी है स्टूडेंट्स। एक बार एक कंडीशन के बेसिस पे देखते हैं इसको, एक सॉल्व एग्जाम्पल ले लेते हैं उसे देखते हैं इसे। एक कंपनी में स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है आपका 12 घंटे, 12 घंटे दिया हुआ है, काम करने वाले एम्प्लॉय ने जो काम किया है वहां पर 9 घंटे किया है, ₹9 किया है, रेट पर आ रहे हैं रेट पर यहां पर दिया हुआ है ₹5 पर आवर, ये वैल्यूज आपको दी हुई है क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको देखते हैं, हमें फॉर्मूला लगाना होगा वेजेस का, हमें सबसे पहले वेजेस निकालनी होगी। वेजेस का हमारा जो फॉर्मूला है वो टाइम टेकन है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर यहां पर टाइम टेकन यूज करेंगे, हमने 9 आवर्स टाइम टेकन लिया हुआ है यहां पर, कि एक्चुअल टाइम कितने टाइम उसने काम किया है, 9 आवर्स किया है स्टूडेंट्स, तो 9 आवर्स ले लेंगे। रेट पर आवर का रेट दिया हुआ है ₹5, तो कैलकुलेशन में यहां पर लिख लेंगे ₹5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 आ जाएगा। बोनस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, बोनस निकालने के लिए फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं किस तरीके से लिखना होगा। बोनस के लिए आपको टाइम सेव देखना होगा,
टाइम सेव किया था और स्टैंडर्ड टाइम आपने क्या रखा था, 1/2 आपको टेकन टाइम लेना होगा, टाइम टेकन जो भी आपका रहा है कि जितने घंटे उसने काम किया है, टाइम टेकन और रेट पर आवर, इसको कैलकुलेशन को ऊपर देखते हैं एक बार स्टूडेंट्स। यहां टाइम सेव कितना किया है हमने, 12 घंटे स्टैंडर्ड टाइम है और 3 घंटे हमने कम काम किया है यहां पर। ये देख सकते हैं कि यहां पर 9 घंटे वो काम पूरा कर लिया, तो टाइम सेव कितना किया है वो निकाल लेते हैं। यहां पर टाइम सेव है स्टूडेंट्स 3 आवर्स, ये 3 आवर्स कहां से आए, 3 आवर्स है, 12 घंटे स्टैंडर्ड टाइम है और 9 घंटे हमने एक्चुअल टाइम काम किया है, तो टाइम टेकन कितना है 9 आवर्स, तो हमने यहां पर निकाल लिया है 3 आवर्स। इसके बाद बोलता है स्टैंडर्ड टाइम हमारा 12 घंटे है और बात करता है आगे की, तो यहां पर टाइम टेकन बताता है 9 आवर्स हमने लिया है और रेट हमारा जो है वो 5 रुपए है, ये हमारी कैलकुलेशन में आएगा वैल्यू। फिर से अगली स्टेप में इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, 3 आवर्स डिवाइडेड बाई 12 × 9 × 5 इसको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेट करने के लिए आगे अगली वैल्यू में भी देखते हैं इसको अगली स्टेप में। इस कैलकुलेशन को एक बार देख लेते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3 × 9 × 5 डिवाइडेड बाई 12 हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे 5 × 9 करेंगे और 9 का मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू आएगी टोटल उसमें 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 11.25 आ जाएगा। ये जो 11.25 है ये हमारा बोनस है, जो हमारा बोनस निकल गया है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमने बोनस भी निकाल लिया है यहाँ पर कि बोनस हमारा 11 रुपये 25 पैसे है, और जबकि जब हमने यहाँ पर ये वैल्यू जो हमने निकाली थी ये वाली वैल्यू 45 रुपीज, और ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, एक तो बोनस और एक वेजेस। तो वेजेस और बोनस को अगर ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 45 प्लस यहाँ पर 125, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना बैठेगा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 56.25 आएगी। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, हमारी टोटल वेजेस कितनी रहेगी बोनस को इंक्लूड करके 56.25। ये हमने जो मेथड समझा है स्टूडेंट्स वो रॉबिन्स के अकॉर्डिंग समझा है, रॉबिन्स प्लान के अकॉर्डिंग, इंसेंटिव प्रॉफिट मेथड जो भी है हमारा। तो इस कंडीशन में हम इस तरीके से अपना पूरा कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। यहां पर 12 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम है, एक्चुअल आवर्स या टाइम टेकन जो है वो 9 आवर्स है, रेट पर आवर दिया हुआ है 5 रुपए यानी 5 रुपीज दिया है पर आवर के हिसाब से, वेजेस रेट हमने निकाला है, वेजेस में टाइम टेकन रखना है इनटू हमें रेट पर आवर करना है, तो यहां पर हमने वैल्यू रखी है, टाइम टेकन हमारा यहां पर रखा हुआ है 9 रुपीज, 9 आवर्स है और यहां 5 रुपीज, मल्टीप्लाई करेंगे 45 हमारा वेजेस आ जाएगा स्टूडेंट्स। 45 के बाद हमें बोनस लगाना है, टाइम सेव जितना किया और स्टैंडर्ड टाइम है इनटू टाइम टेकन करना है इनटू रेट पर आवर करना है। यहाँ पर कैलकुलेशन से मैंने बताया है कि करके ये आप 12 में से स्टैंडर्ड आवर में से अगर हम एक्चुअल टाइम अपना लेस कर लेते हैं तो 3 आवर्स बचते हैं, और ये हमारा ना जो टाइम टेकन है वो यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। अगली स्टेप में मैंने इसको सॉल्व किया है, लास्ट में हमारा बोनस निकल के आ रहा है, मैं फिर से एक बार मार्क कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये क्या हमारा बोनस, बोनस हमारा 11 रुपये 25 पैसे 11 रुपये 25 पैसा आया है, इन दोनों को ऐड किया, एक तो हमने वेजेस को ऐड किया और प्लस हमने अपना बोनस ऐड किया, दोनों को ऐड करेंगे तो 56 रुपये 25 पैसे यानी 56 रुपीज 25 पैसा आएगा। इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका था स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि लेबर रेमुनेशन किस प्रकार से दिया जाता है, वेजेस कैसे काउंट करते हैं और बोनस कैसे निकालते हैं, हाल से प्रीमियम प्लान में बताया और बताया आपको रॉबिन्स प्रीमियम प्लान में, ये दोनों प्लान मैंने आपको बताए, नेक्स्ट दो प्लान नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, और मैंने आपको बताया ये सारा कुछ कि कैसे रेमुनेशन कैलकुलेट करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक बार बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।